हाँ जी बच्चों नमस्कार। बेटा जी प्लस टू है ना, जिन्होंने हम एग्जाम देने हैं जिक्र 2022 हूँ, ठीक है। तो उन्हों का टेस्ट एक कल तो होया, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे ने टेस्ट किया, बड़ी खुशी हुई और बहुत सारे बच्चों के बड़े अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे मिस्टेक कर दे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। मैं रात भी बच्चों रात के 12 बजे तक मैं टेस्ट चेक करता रहा, ठीक है। मोबाइल के उपर तुम पता किन्ना औखा होता मोबाइल के उपर चेक करना, तो मैं फिर भी चेक किए जिन्हें मेरे को हुए, ठीक है। अज मैं स्कूल जाके भी कुछ टेस्ट चेक किए, ठीक है। अज हूँ फिर चेक चेक करने, मैं हरेक बच्चे का टेस्ट चेक करके उन्होंने बच्चा पक्का उन्होंने बेटा जी मिस्टेक भेजूंगा चंगी तरह। पर तुम कम करो जो टेस्ट मैंने भेज दें ना, तो प्लीज़ जी पिक है ना वो सही भेजा करो, ठीक है। रेंडमली ना खिंचा करो, बिल्कुल सही पिक और बिल्कुल स्टेट होनी चाहिए टेस्ट की जी पिक हो ना, ठीक है। तो ताकि चेक करने से कोई दिक्कत ना आए, पहली गल। तो दूजी गल बेटा जी, हूँ टेस्ट थोड़ा कल भी है, तो कल थोड़ा टेस्ट का टाइमिंग थोड़ा पता वो है अपने को 6:30 PM। फिर सुन लो बच्चों, टेस्ट थोड़ा कल है, टेस्ट संडे 6:30 PM है। बच्चे पूछ रहे बार बार भी कल टेस्ट किस गल का। बेटा जी मैं हूँ थोड़ा दसन लगा भी कल का टेस्ट थोड़ा किस टॉपिक कहे कहे टॉपिक की तैयार करने। चंगी तरह बच्चों प्रैक्टिस करो, थोड़ी बड़ी ज्यादा कई बच्चों की गलती हो रही प्लस और माइनस की, बड़ी माइनर मिस्टेक। तुसी जिन्हों का आंसर चेक कर सकते सीगे बच्चों, उन्हों का आंसर जरूर चेक करया करो, ठीक है। किसी बच्चे की एलसीएम च गलती है, ओके। किसी बच्चे की माइनस से गलती आ गई तो बच्चों ना क्वेश्चन गलत हो जाता। प्रैक्टिस करो, बार बार करो, गलती होए कोई दिक्कत नहीं, पर गलती चेक करके देख के तो उन्होंने बाद रिमूव भी कर लो। और इतों लगता पता कि काफ़ी सारे बच्चों ने टेस्ट दिता बड़ी ईमानदारी। तो बच्चों हूँ कल दे टेस्ट वास्ते देखो, कल थोड़ा क्या क्या टॉपिक थोड़े क्या है आ देखो बेटा जी, जो कल है बच्चों टॉपिक अपना देखो ध्यान। पहले बच्चों नाम ले ली रब का, हाँ। हूँ कल दे टॉपिक का जो थोड़ा वो है ना टेस्ट है वो किस टॉपिक का वो थोड़ा दस लगा बच्चों ध्यान। अज तरीक है अपने को 16, टेस्ट थोड़ा बच्चों 17 हो, ठीक है। अज 16:4 ते बच्चों 2022 है ना, हाँ। तो बच्चों टेस्ट पहला थोड़ा टॉपिक है LPP, हाँ LPP बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा पता एक क्वेश्चन थोड़ा फाइनल बिच भी 6 मार्क्स आना, और इस क्वेश्चन दे बिच थोड़ा कोई भी चॉइस जी कि सैंपल पेपर बिच दसी गई वो नहीं सी, तो इदा ना हो फाइनल बिच बच्चों थोड़ा लगता चॉइस नहीं आनी, ठीक है। नंबर टू बच्चों एक हो गया, एक थोड़ा बच्चों एरिया अंडर द करव, एरिया अंडर द करव एक क्वेश्चन करने, एरिया अंडर द करव, ठीक है। तो बच्चों देखो फिर मैं थोड़ा दस दिना कि कहड़े क्वेश्चन तुम चंगी तरह करने। बच्चों एक तो जिदा क्वेश्चन है 22² = x, x² = y है ना, कुछ भी हो सकता 22² = 2x, x² = y हो सकता, ठीक है, हाँ। नंबर टू एक बेटा जी थोड़ा एरिया ऑफ सर्कल, जिदा x² + y² = a², ये एरिया ऑफ सर्कल आ गया। तो बच्चों थर्ड एरिया ऑफ एलिप्स x² / 25 + y² / 16 = 1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। बच्चों एक थोड़ा इदा आ सकता, क्या बोलो जी, x² = y ते y = x + 2 लाइन ये आ गई, ठीक है, ओके। एक बेटा जी थोड़े को इदा आ सकता पीस, क्या बोलो जी, नेक्स्ट पोर्शन आ देखियो ध्यान ध्यान नाल। नंबर अगे 5 बेटा जी थोड़े को ये आ सकता, क्या बोलो जी, x² + y² = 16 ये आ गया, तो अगे x + y = 4 ये लाइन आ जाए, इधर एरिया, ओके, इनक्लूडेड एरिया इन्हें दोनों च। एक बच्चों इन्हों दोनों च एरिया x² / 25 + y² / 16 = 1, x/5 + y/4 = 1 समाल एरिया, थोड़ा पता। एक बेटा जी एरिया ऑफ ट्रैंगल, हाँ एरिया ऑफ ट्रैंगल थोड़ा देखिया पिछले जो थोड़ा पेपर होया ना लास्ट आया उसका बच्चों ट्रैंगल, जिदा अपने को हैगा एक सी बेटा जी 2 0 जो अपना आया से अपने को, एक बेटा 5 5 एक बेटा जी चलो कुछ भी हो जाए एक, ठीक है। एक सी आई थिंक सी
3-3 आई थिंक है ना, एक बेटा सीगा 5-2 इतना सीगा मेरे ख्याल, मैंने हम याद नहीं है पूरा चंगी तरह, ठीक है कुछ भी हो सकता बेटा, ये थोड़ा मैं जस्ट एग्जाम्पल है, ये नहीं मैं कह रहा भी आप यही क्वेश्चन पाने, ठीक है इदा के क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक क्लीयर एरिया ऑफ ट्रैंगल का, ठीक है इदा बचो एरिया ऑफ लिप्स एंड लाइन बिच एरिया, सर्कल से बचो लाइन च एरिया, ओके क्लीयर, ठीक है अगे बचो दो पैराबोला के जो एरिया इनकलूड है, ठीक है वह एरिया बचो सर्कल का एरिया, बिल्कुल ठीक है हाँ तो बेटा जी अगे लिप्स का एरिया, अगे क्या बोलो जी पैराबोला तो लाइन का एरिया जो इनकलूड बिटवीन एरिया, ठीक है ये सारे क्वेश्चन थोनों चंगी तरह आने चाहिए, ठीक है ये हो गया क्लीयर, ठीक है एक पता क्या मैं कल एक गल देखी बार बार भी कुछ बच्चे ना काफ़ी देखो तुसी LPP ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है क्लीयर थोड़ा बच्चों दो क्वेश्चन मैं डालने LPP दे, मतलब दो क्वेश्चन थोड़ा आने LPP दे कल, ओके क्लीयर 2 क्वेश्चन तो बच्चों 2 क्वेश्चन थोड़ा आने क्या बोलो जी एरिया अंडर अंडर द कर्व दे, बच्चों ये आ गया 6.6 12 मार्क्स, ओके बेटा ये आ गया 4 4 8 मार्क्स क्लीयर है, तो बच्चों कल का टेस्ट थोड़ा होगा 20 मार्क्स का, कि 20 मार्क्स कल का टेस्ट थोड़ा होगा 20 मार्क्स का, दो बच्चों क्वेश्चन LPP दे और दो क्वेश्चन कह दे कि बोलो जी एरिया अंडर द कर्व जिहड़े एप्लीकेशन ऑफ इंटैग्रल दे, बच्चों चंगी तरह करो मेहनत करो क्लीयर है, जिहड़ियां मैं स्टेटमेंट लिखी है ना ये जरूरी नहीं मैं थोड़ा मैं यही स्टेटमेंट पावा जिदा मैं थोड़ा मैं पा सकता y² = 4x एंड x² = 4y या y² = 2x एंड x² = 2y, ठीक है बच्चों एक इदा ये भी है एक होर क्वेश्चन तुहानू दस देना जिदा ये क्वेश्चन है नंबर 8 क्या बोलो जी आ देखो y² = 4ax, ओके एक बेटा दूजा के ना बोलो जी y² = 4ax एक अपने को आ गया y = mx लाइन, क्या दिक्कत है ना ये भी आ सकता क्या क्या समस्या, एक बेटा जी क्वेश्चन है अपने को x² = y बच्चों नाल y = x मोड, एक क्वेश्चन ये है, ठीक है ये क्वेश्चन चंगी तरह कर लो ध्यान नाल करो प्रैक्टिस करो बच्चों बार 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 प्रैक्टिस करो, ठीक है ता ही क्वेश्चन आने, तो बेटा जी दो क्वेश्चन LPP दे ते दो क्वेश्चन थोनों आने केड़े बोलो जी अपने को एरिया अंडर द कर्व क्वेश्चन दे, ठीक है तो कल तुसी सारे बच्चों ने अज ही जा कल जा अज शामी जा कल सवेरे बच्चों अपने कोल ग्राफ पेपर तैयार रखियो, बिल्कुल तुसी ग्राफ पेपर दे उपर LPP दे क्वेश्चन करने ताकि थोड़ी घरे ही प्रैक्टिस हो जाए बच्चों ग्राफ पेपर दी, ठीक है क्लीयर हाँ क्योंकि थोनों फाइनल दे विच एक पेपर मिलना जस्ट एक ग्राफ मिलना LPP दा क्वेश्चन करने वास्ते, सो बेटा जी अज तुसी किसे तरीके नाल ग्राफ पेपर दा अरेंज कर लो क्लीयर दो ग्राफ पेपर दा, ठीक है ओके तो बच्चों पेंसिल रबड़ सब अपने को रखियो, ठीक है कल जिस बच्चे दा देखो टाइम दे देना, ठीक है 6:30 पर थोड़ा टेस्ट स्टार्ट है क्लीयर, तो जदों मैं दसना भी ये एंड है जिन्हें टाइम का भी टेस्ट होया, ठीक है उस तो बाद मैं किसी बच्चे का फिर टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है क्लीयर तो सो बच्चा सब कुछ अपने को रेडी रखो, ठीक है थैंक यू सो मच बच्चों बाय बाय, कोशिश करो कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ओके बच्चों बाय बाय थैंक यू सो मच।